हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ दो आलू और दो प्याज से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक नाश्ता की रेसिपी। इसे आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना ही आपने पूरे यूट्यूब पे इसकी रेसिपी देखी होगी। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये नाश्ता ठंडा गर्म सब अच्छा लगता है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बहुत ही यूनिक और टेस्टी नाश्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ का। दोनों का मैंने छिलका हटा के अच्छे से दोनों को धो लिया है। अब हम प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे स्लाइस में कट कर लेंगे, इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में, और आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, प्याज को मैंने अच्छे से कट करने के बाद इस तरह से इसके लच्छे हम निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे से लच्छे निकल जाते हैं। और जो मैंने आलू लिए थे उसे मैंने कद्दूकस करके पानी में इस तरह से रख दिया ताकि ये काला ना पड़े। और अब मैं यहाँ पे एक बोल में ले रही हूँ 1 कप मैदा। आप इस नाश्ते को आटे से भी बना सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे ओरिगेनो डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं 1/3 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाला है। सभी को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसका हमें एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। इस नाश्ते का बैटर आप मिल्क में ही बनाएं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में। तो इस तरह से देखिए, हमने गाढ़ा सा बैटर तैयार किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी या फिर ऑयल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो हमने आलू और प्याज को कट करके रखे हैं उसे हम यहाँ पर डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे और आलू जो हमने कद्दूकस कर लिया है उसे पानी से निकाल के डाल देंगे। इसीलिए हम गाढ़ा बैटर मैंने तैयार किया है क्योंकि हमने आलू प्याज इसमें मिक्स किया है। इसमें जो भी पानी होगा उसके वजह से जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनेगा। तो अब हम इसे 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो आलू और प्याज का नाश्ता है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इस नाश्ते में सिर्फ आलू और प्याज का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें हरी सब्जियों को भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, इससे वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। यहाँ पे मैं चीज़ क्यूब ले रही हूँ, इससे जो नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 स्लाइस ले रही हूँ चीज़ का, आप चाहे तो 2 स्लाइस यहाँ पर ले सकते हैं। और चीज़ डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने नाश्ते का बैटर अच्छे से मिक्स कर लिया है चीज़ के साथ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बैटर हमारा इसी तरह से होना चाहिए। गैस पे मैंने एक पैन लिया है, फ्राइंग पैन, और इसमें हम डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच देसी घी और इसे हम फैला लेते हैं इस तरह से। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो रखा है। अब हमने जो बैटर बना के रखा है उसे हम यहाँ पे सारा डाल देंगे। मैं यहाँ पे एक ही बार में बना रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे आप 2 बार में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा बैटर डाल दिया है। इस तरह से हम हल्का सा इसे फैलाएँगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएँगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इसके ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे ओरिगेनो, और जो भी आपके पास हर्ब्स हैं वो आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं इस तरह से। मैंने यहाँ पे डाला है ऑल पर्पज़ सीजनिंग, इसे बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे तो हरी धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 15 मिनट हो गए, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे रखा था, और ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये नाश्ता जो है ऊपर से आपको ड्राई दिख रहा है। अब हम इसे पलटेंगे तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ का, अगर हम इसे स्पैचुला की मदद से पलटेंगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे अलग तरीके से पलटूंगी। तो मैं यहाँ पे एक इस तरह का प्लेट ले रही हूँ, इसमें हम थोड़ा सा घी या फिर ऑयल इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। आप प्लेट उस तरह का लें जिसके साइड्स ऊँचे ना हो। अब हम प्लेट पे इस तरह से पैन को पलट लेंगे और फिर हम इस तरह से इसके ऊपर फिर से इसे हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बहुत ईजिली पलट जाता है और नाश्ता बिल्कुल भी नहीं टूटता है। अब हम इसे फिर से कवर करके 10 से 15 मिनट दूसरी साइड से पकने देंगे।
तो फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट के बाद अब हम इसे कवर को हटा लेंगे और ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं अब इसे फिर से प्लेट के ऊपर पलट लूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आलू और प्याज का हमारा बहुत ही टेस्टी बिल्कुल यूनिक नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इस तरह की रेसिपी आपने कभी भी YouTube पे नहीं देखी होगी। ये बहुत ही यूनिक नाश्ता है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ये नाश्ता गरम गरम में तो अच्छा लगता ही है, साथ साथ आप इसे ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। आप इसे किसी भी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।